देखो गाइस ये होती है मस्त सी चीज, इसको बोलते हैं देसी भाषा में केक। पीयूष का फेवरेट। अगली में क्या लगे मिंगी चल। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो राइट नाउ इट्स 5:48। आज थोड़ा लेट हो गए हैं बट चलो कोई बात नहीं। तो आज अम्मा आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देगी। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो कि मैं अभी चूज कर रहा था इसीलिए काफी लेट हो गया। तो उससे पहले भी मार्केट चलते हैं, मोटर वगैरह लेके आने पापा जी के साथ में, आके अम्मा आपके क्वेश्चंस के आंसर देगी। ठीक है? ठीक है। और ये तो गेम ही खेल, आपको पता ही है। क्या गेम? सुबह से ब्लॉग नहीं बनाता है। अच्छा गेम खेल के मत कर। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा मोटर वाली दुकान बंद हो गई थी, जो जल्दी से चलते हैं कहीं दोबारा बंद ना होगी और जल्दी से लेके आते हैं, बिकॉज बहुत जरूरी है, बहुत पानी चाहिए। और हमारी अम्मा आपके आंसर देगी। चलो गाइस, छोड़ ने मेरे को अपना कैमरामैन बना दिया है। अपना ईयरफोन ये रहा, ये रहा छोटा वाला माइक जो नया लाएंगे। ओए स्केच नहीं दिखाना, स्केच चुका लियो। ये देखो गाइस मेरा जुगाड़, ये पता है क्या है? प्लास्टिक है ये। ये मैंने क्यों लगाया पता है? ये माइक अडैप्टर को लगाने के लिए। माइक अडैप्टर इसके अंदर ऐसे लगा देता हूँ मैं, चेक कर लेते हैं एक बार। तो पीयूष ने मेरा कैमरा ले रखा है। मैं बोल रहा हूं। मैगी। नहीं नहीं निकलो निकलो निकलो, इसको ढक दिया मैंने, इनको बंद कर देते हैं। धूल आती है अंदर बहुत, कोई नहीं वो हमारे हैं। धूल आती है और क्या है रे? हाँ ताला लगा लेंगे। ओए क्या हाल चाल? अभी अभी पधारे हैं। नमस्कार। ठीक है? हाँ। और कहाँ से? गुंजन कहाँ है? ऊपर। अच्छा मेरी चप्पल किसके पास है? एक चप्पल ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है यार। और क्या हाल चाल? चप्पल दो मम्मी मेरे को मेरी। मैं ऐसे ही जाऊँ नीचे। तो मैं मेरे को जाना है। लाया लिया था चप्पल, बता। हाँ खुशी हो रही होगी टिकटॉक की, तो रोज टिकटॉक के स्टेटस आते थे, आजकल नहीं दिख रहे टिकटॉक का एक भी स्टेटस। नहीं अब टिकटॉक का एक भी स्टेटस तो नहीं दिखता ना, वो चीज़ अच्छी है। कैसा लग रहा है टिकटॉक डिलीट हुआ? मेरे को नहीं लगा ऐसा, क्योंकि मेरी वीडियोस तो गूगल पे आ गई है। और तो नहीं बना सकते? क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी? क्या तो गंदगी तो कहीं भी कर लेंगे। क्या? कोई भी ऐप हो गंदगी तो कर लेंगे। अभी अभी एक गुड न्यूज़ आई है, टिकटॉक का छोटा भाई हो गया टिक टिक। सो अभी टाइम हो रहा है 5:55, तो होपफुली आज शॉप खुली होगी। आज बाबा जी मास्क डाल के आए हैं। खुली है, कल तो बंद थी। लॉकडाउन के बाद ये सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। सर्वो बहुत भारी है यार। चलो ले ली ये वाली मोटर, कौन सा ब्रांड है ये? सर्वो। देखो गाइस ये होता है नज़र से बचाने के लिए, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, इसके ऊपर लिखा हुआ है बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। अबे जी ये लिया है आपने? मतलब एक ये चीज से नज़र नहीं लगेगी, वाह। कमेंट करके बताना गाइस कि ये कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। अबे जी ये कौन है, मुझे समझ में नहीं आता कि इससे क्या होगा। बहुत बढ़िया, ये आपने लिया है? मुझे लगा ऐसे ही पड़े हैं यहाँ पे। आहा इतना बढ़िया लग रहा है ना, पसीने में हवा लग रही है। ढूंढो कौन सी शॉप है, ढूंढो ढूंढो, सुरेश वाली कौन सी है ढूंढो, रमेश इलेक्ट्रॉनिक्स येरा। इसको लेके कहाँ जा रहे हो? तो फ्राटा भी लेना है, मतलब कितनी सारी चीज़ें लेनी पड़ रही हैं। रूम एक बन रहा है, इतने बड़े लेना है छोटा लेना है? और ले कैसे जाएंगे इतनी भारी मोटर और फराटा? मैं बाइक लगाता हूँ। उठ जाएगा। तो ये वाली है हमारी सुपर बाइक, हमने चलाई थी एक दिन गाइस आपको याद होगा। रूम एक बन रहा है और झंझट कितने हो रहे हैं, मतलब देखो मोटर नहीं लेनी पड़ी और फराटा, अब इन्वर्टर नहीं आएगा, बैटरी नहीं आएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने देखा। ओनली ऐसा नहीं कि रूम बन रहा है तो रूम ही बन रहा है, ऊपर इतना खर्चा हो रहा है ना, बहुत खर्चा। अगर अंदर मैं जितना एक्सपेंसिव सामान रखता हूँ उसके हिसाब से खर्चे होंगे, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा, बिकॉज बाहर बहुत सामान लग रहा है, ऊपर टंकी लगेगी अलग से। मेरे को लग रहा था स्टार्टिंग में कि रूम बन जाएगा जल्दी, लेकिन उसके बाद जो फिटिंग होती है, जो बाहर की चीज़ें होती है ना, उसमें बहुत
खर्चा आ रहा है, सब कुछ देखना है। कमेंट करता ना गाइस कि आपने अपने घर के बाहर वो लगाया या नहीं लगाया। अपने घर को लगाएगा, नजर लगाएगा तो घर पे लगा दो बाहर से, बस मेरे रूम पे लगाने की क्या जरूरत है। सेम पीयूष की तरह है, देखो बेटर देन दिस। हमको किसी भगवान की फोटो लगा देंगे वो ठीक रहेगा। क्या है ये? सरस्वती माता की लगा लो। हाँ देखो कितना एक पॉजिटिविटी, उनको देख के कितनी पॉजिटिविटी आएगी, इसको देख के क्या आएगी। सामने वाले घर पे भी लगा रखा है। तैयार हो? तो हम तैयार है आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो मैंने कुछ जल्दी 3-4 सिलेक्ट किए हैं। तो सबसे मेन क्वेश्चन ना, जो सबसे कॉमन था, वो था कि अम्मा का नाम क्या है, बताओ। श्रीमती गोविंदी जोशी। श्रीमती गोविंदी जोशी। आपकी एज? एज है मेरी 68 साल 6-8। 68। ओके गाइज, बस ये तो मेन थे। ठीक, सपना गर्ग ने पूछा है, अम्मा को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, बताओ। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? क्या पसंद है फिर? सभी पसंद है। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा जो खाने में अच्छा लगता है। सब्जी रोटी चाहिए थी। सब्जी रोटी? बस सब्जी रोटी पसंद है। अब ऑलरेडी पूछ रहे हैं कि व्हेन डिड अम्मा गेट मैरिड, आपकी शादी कब हुई थी, कितने साल पहले? मेरी शादी को हो गए 17 साल की थी मैं जब। अम्मा की शादी 17 साल में? मैं अभी 20 का हूँ। 17 में? तो 68 की अब अम्मा है, 17 में शादी हो गई थी, तो आप माइनस करके देख सकते हो कितना टाइम हो गया शादी को, 17 साल हो गया। फिर पहले ऐसे ही शादी कर देते थे, पहले 18 का भी नहीं हुए, 17 तो, का 17 की तो देख लो भाई। तेरे दादाजी को थे 19 साल। अच्छा दादाजी 19 साल। ध्रुव सिंह पूछ रहे हैं, अम्मा से पूछो उन्होंने भूत देखा है। भूत? नहीं तो भूत कहाँ देखा? नहीं देखा, नहीं तो गाँव में नहीं होता। दीप्ति मोदानी, डू अम्मा डस डांस? यस यार, अम्मा तो डांस बहुत डांस करती है। आपने देखी नहीं क्या वीडियो? देखो मेरी वीडियो सेलिब्रेशन वाली, उसमें अम्मा ने डांस किया था, 100 के सेलिब्रेशन पे भी किया था ना। द बोट ट्यूबर, हर बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट इन हर होल लाइफ, आपका सबसे अच्छा और सबसे बुरा पल कौन सा है लाइफ का? एक तो सबसे अच्छा और एक सबसे बुरा। सबसे अच्छा बताओ पहले कौन सा था। सबसे अच्छा, सभी अच्छे हैं फिर। पल जब आपको सबसे अच्छा लगा? सुबह का पल अच्छा लगता है फिर। अरे नहीं, फिर पूरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगा आपको? रोज ही अच्छा है अभी तक, अभी तक मेरा सब ठीक चल रहा है, भगवान की कृपा होगी। सबसे खराब क्या है? खराब? हाँ। खराब क्या है फिर? जब किसी को कुछ होता है, अपने परिवार में किसी को कुछ होता है, तब बुरा पल होता है। इसमें इस भगवान ने सुन रखी है तो सब ठीक है, अभी सब पल मेरा ठीक है भगवान। समझ रहे हो गाइस? स्नेहा ने पूछा है, अम्मा की हॉबी क्या है, मतलब क्या चीज़ पसंद, क्या करना पसंद है, क्या करना पसंद है? क्या करना है? सुबह उठ के पूजा पाठ करना अच्छा है। हाँ। और क्या है फिर? बस यही करना पसंद है। बस यही पसंद है, सुबह उठ के पूजा पाठ करना, शाम पूजा करो। ये तो थोड़ा गलत है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। अगर कोई काम हो, जैसे कि कोई खेत वेत का काम, अगर गांव में, मतलब गांव में होती तो गांव में होती तो वो करना पसंद है ना आपको, ये बोलो ना। गांव में तो करना ही पड़ता है, गाय के लिए घास भी काटना पड़ता है, घास लाना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है। गांव में अम्मा होती है ना जब, तो पूरा दिन भर अम्मा खेत में रहती है, गाय के लिए कभी घास काटती, कभी क्या कभी गाय के पीछे जंगल ले जाती हूँ, ऐसा ही काम था। इस एज में भी? विकास शर्मा पूछ रहे हैं, अम्मा इतनी ताकतवर कैसे हो, बोले बताओ। अम्मा को भगवान ने वो दे रखा है, क्या ताकत, इसलिए ताकतवर हो। तो अम्मा का मन बहुत सही है, अम्मा का सोचने की शक्ति सब कुछ, वो काफ़ी बहुत हाई लेवल की है, अम्मा ने बहुत कुछ देखा। सोच सकती हूँ, मेरे को किसी के सामने रोना नहीं आता है। जब मैं को बहुत किसी समय दुख भी होता है, मैं अकेले जाती हूँ, अकेले मेरे आँखों में आंसू आते हैं। जब मेरे पापा गुजरे, जब मैं अकेली थी, जब मेरी मम्मी गुजरी, तब से मेरे आँखों में आंसू आते हैं, नहीं तो मेरे आँखों में कभी आंसू नहीं आते थे। जब मेरी मम्मी गुजरी, तब से मेरे आँखों में आंसू आते हैं। मम्मी ऐसी चीज़ है। अम्मा फिर से इमोशनल हो गई, इतनी अच्छी थी मेरी मम्मी। सबकी अम्मी अच्छी होती है, सबकी अम्मा अच्छी होती है। अम्मा थोड़ी इमोशनल हो गई थी,
तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, बाकी आप व्लॉग में देख ही लेते हो, अम्मा के बारे में आपको बता देता हूँ, अम्मा क्या करती है क्या नहीं करती है सब कुछ आप लोग जान ही गए होंगे। ठीक है, ठीक है। अम्मा का बोलना, मेरा बोलना, मेरी फैमिली का बोलना आप लोगों को चले गया होगा पता, पसीने से पूरी जो चेयर है भीग चुकी है, यहाँ भी यहाँ भी। अम्मा के साथ Q&A सेशन में गाइस बहुत मजा आया। गाइस देखो बड़ी मी ये है चौलाई, जो बड़ी मी पीछे वाले प्लाट में तोड़ के लाई थी और यहाँ बो दिए। कहीं और से तोड़ के लाके यहाँ बो दिए। वाह मम्मी वाह, मैं तो काफी दिनों के बाद आया यहाँ पे, देखना कितनी लंबी लंबी ऊपर तक बेल जा चुकी है लौकी वगैरह की पूरा। देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो जो मेरे को पसंद नहीं है, बैंगन इतने सारे, ये लौकी है, ये क्या है, ये तोरी है, तोरी इधर पालक है नीचे पैर मत रख, पालक है ये। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। देखो गाइस ये होती है मस्त सी चीज, इसको बोलते हैं देसी भाषा में केक, डंक केक, पीयूष का फेवरेट। आखिरी में क्या लगे मिंगी चाल है, कॉन्ग्रेचुलेशन 1000 होने वाले हैं। और गेमिंग किस चाल है, इसको जलाते हैं, क्या करते हैं इसको, चल एक्सप्लेन कर। आग बड़ा है पहले, ठीक है, आग जलाते हैं ना, हाँ, इसकी आग इसको। ठीक है फिर उसको अच्छा, हाँ, हुक्के में यूज करते हैं, हाँ। हुक्के में और आग जलाने के लिए, धुआं करने के लिए, गोबर का बनता है ये, गोबर का एक बेचने के लिए, हाँ बेचने के लिए भी यूज करते हैं। आंटी जी बेचते हो इसको आप, हाँ। बेचा करो, मामते ही बेचोगे कि नहीं दोगे, मामते बेचोगे नहीं दोगे, कितने दोगे, कितने ले लो हमारे काम, कितने का एक आपके लिए, कितने कितने के बेचते वैसे, ये है रुपया डेढ़ रुपया का एक, डेढ़ रुपए का एक, सही बिजनेस है यार। देखो यहाँ पे गोबर भी बिकता है अगर अच्छे से यूज किया जाए तो, इसको ऐसे शेप बना के धूप में रख देते होगा काम। जैसे क्वेश्चन मैंने अम्मा से पूछना वैसे मैं पीयूष से ही पूछूंगा, तो कमेंट करना और कुछ ऊटपटांग से क्वेश्चन पूछना जिसके एक ऊटपटांग से आंसर दे सके। ठीक है गाइस, ठीक है, फिलहाल इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। ठीक है, रात को करेंगे, रात को नहीं अभी एडिटिंग कर लूंगा, और क्या एडिटिंग नूनू कर लेगा, हां ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग, इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग हिट द लाइक बटन एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मेरी भी कर दियो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय। क्या छुपा के ले जा रहे हो, क्या छुपा के ले जा रहे हो, सब्जी ये हमारे गांव में भी होती है, मैंने एक वीडियो में देखा था, गांव में भी होती है। और ये क्या है, फबरी, हां चटनी बनाऊंगी।